हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल टेक टू ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी शक्ति। आज हम आपको रोबो फार्म जो है उसका मैं आपको की दूंगा, ठीक, इसी बारे में मैं आज बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ में जो साइड में घंटा है उसे भी बजा दीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं रोबो फार्म के बारे में। रोबो फार्म एक ऐसा फार्म है, एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू आप जैसे कभी भी ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आप इसमें डाटा जब सेव कर लेंगे, जब इसमें आप डाटा सेव कर लेंगे तो उस डाटा को बाद में भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं, कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरते वक्त अगर आप जब सबमिट कर रहे हैं उस फॉर्म में एरर आ जाता है तो आप जितना फिल किए रहते हैं आपको दोबारा वो भरना पड़ता है। लेकिन रोबो फार्म के थ्रू आपको वो दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो फॉर्म ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। ठीक, इसी बारे में आज बात करूंगा। तो इसका आज जो है गिव अवे चला है, इसमें मैं आपको इसका लाइसेंस की दूंगा। ठीक, उसके लिए सबसे पहले आप, मैं लिंक दे दूंगा, लिंक से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जो है आप इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको एक अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा और सीरियल नंबर डालना पड़ेगा। तो मैं सीरियल नंबर तभी दूंगा, आप नीचे फेसबुक पेज पे मेरे आइए, वहां पर आप अपना ईमेल आईडी को मैसेज करिए। यहाँ पर डायरेक्ट यूट्यूब पे मत करिए, क्योंकि ये ओपनली हर किसी को दिखाई देता है। इस वजह से आप मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, वहां पर आप एसएमएस करिए, मैं वहां से आपको इसका सीरियल की दे दूंगा। तो चलिए मैं इसका स्टेप बताता हूँ कि इंस्टॉल कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है, मतलब मैं लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, मैं यहाँ क्लिप पर क्लिक किया हूँ डाउनलोड पर, तो एप्लीकेशन मेरा डाउनलोड होने लगेगा। ठीक, इसका साइज लगभग 21 MB के आसपास है। डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तब तक मैं वीडियो पुश कर दे रहा हूँ। देखिए, मेरा जैसे डाउनलोड हो गया, अब मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। उसके बाद ओपन, यस पे क्लिक किया, अब एक्सट्रैक्ट हो रहा है। देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ से जिस लैंग्वेज में आपको इंस्टॉल करना है वो इंग्लिश, मतलब लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए, मैं इंग्लिश सिलेक्ट किया हूँ। ठीक, अब यहाँ से अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है तो यहाँ से एडवांस ऑप्शन भी क्लिक कर दीजिए। ठीक, उसके बाद आपको इसमें इंटीग्रेट करना है। इसमें देखिए मोजिला फायरफॉक्स में, क्रोम में, ओपेरा में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर में भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें मेरे इतने ही ब्राउजर हैं, ओपेरा है नहीं, सिर्फ दो ब्राउजर और एक ये है। तो इस पर क्लिक करके मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। ठीक, अभी आपको पूछ रहा है कि आप कहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो इसको इसी तरह रहने दीजिए, उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करिए, या आप पाथ चेंज भी कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि क्रोम इतना ओपन है तो मुझे इस ब्राउजर को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, जब इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ से आप मांगेगा क्रिएट ए अकाउंट। ठीक, आप यहाँ ईमेल आईडी और एक मास्टर पासवर्ड, मास्टर पासवर्ड मतलब 3D में बनाइएगा, ऐसा पासवर्ड बनाइएगा जो 3D में एग्जिस्ट करता हो, मतलब स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, और डिजिट मतलब 1 2 3 होना चाहिए, और स्पेशल करेक्टर जैसे एट द रेट में भी होना चाहिए। तो इस तरह इसमें आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे मैं अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड बना रहा हूँ। देखिए, जैसे आप पासवर्ड इंटर करेंगे, जब यहाँ पर गुड आ जाए या ग्रीन कलर का टिक लग जाए तभी वही पासवर्ड डालिएगा जब तक यहाँ ना लग जाए। मतलब आपको एक स्मॉल कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, डिजिट, स्पेशल करेक्टर करके कम से कम 8 डिजिट डालना है। ठीक, जैसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अभी ये सर्वर से कनेक्ट करेगा। देखिए, अब यहाँ पर आपको कंफर्म पासवर्ड मांग रहा है कि आप जो मास्टर पासवर्ड डाले हैं वो यहाँ पर भी आप इंटर करिए। तो यहाँ पर आपको अपना मास्टर पासवर्ड जो आप बनाए हैं वो यहाँ पर इंटर कर दीजिए, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट पे कर दीजिए, मतलब जो स्टार्टिंग में आप बनाए थे वही पासवर्ड इसमें इंटर करिएगा। ठीक, देखिए अभी ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है, इसको आप मतलब कहीं नोट कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आप ना भूलिए। ठीक, इस तरह आपका रोबो फार्म कंप्लीट इंस्टॉल हो गया है। देखिए, जब आपका रोबो फार्म इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ भी आपका शो करेगा, और यहाँ मतलब इसके एक्सटेंशन को आप इनेबल कर दीजिएगा, भूलिएगा मत, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। आप वहां पर एक्सटेंशन को नीचे एक लिंक रहेगा, एक्टिवेशन लिंक, तो आपको एक लिंक दे देंगे, तो इस लिंक से आप डायरेक्ट देखिए या तो कॉपी कर लीजिए। देखिए, यही है http://robofarm.com/key, इस पर आइए आप।
जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप, मतलब इस लिंक पर, तो एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा जो आप वहाँ पर क्रिएट किए हैं। चलिए मैं लॉगिन, देखिए जैसे मैंने लॉगिन कर लिया, तो लॉगिन करेंगे तो यहाँ आप आपसे मांगेगा की, तो जो मैं की दूंगा नीचे, ये आप जो मेल करेंगे तो मैं उस पर आपको फेसबुक पे जो मैसेज करूंगा, इस तरह एक की रहेगा। तो इस की के आपको कॉपी करना है, जैसे कॉपी कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप इस सबमिट बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए सबमिट पे। देखिए जैसे आपका की वैलिड रहेगा तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर अपना नाम या डिटेल पूरा आपको भरना है। चलिए मैं भर लेता हूँ। जब इस तरह आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो इसको आप सबमिट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो सबमिट बटन है, इस पर आप सबमिट कर दीजिए। देखिए जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, इस तरह आपका आएगा, योर लाइसेंस की हैज बीन रजिस्टर्ड रोबो फाइव विंडोज मैक एंड मोबाइल। मतलब ये आपके मैक भी के लिए भी है और मोबाइल के लिए भी है, और साथ में तो डेस्कटॉप के लिए तो है ही। ठीक, इस तरह आपको जो है, इस तरह आपको 1 ईयर के लिए फ्री लाइसेंस मिल जाएगा। तो आप 1 साल तक इसका जो है पेड वर्जन आप यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।